Only got stakes for real. Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Doing the glass still, I can't wear no Vladimir. Want me to lose, but I can't. Want me to tell like a thousand tears. I can't do that, need to wait. Make sure you tired, you're late. When I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I bring a band with my young fetish, we're doing the party. मजा आया। ओके okay, ये रहे आपके तगड़ा वाला हेडशॉट एक्यूरेसी बढ़ाने का टॉप 5 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये टॉप 5 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स को अब सही से फॉलो करोगे, उसके बाद गेम में अप्लाई करोगे ना भाई, बंदा लोग आपको हैकर बोलने लगेगा। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देख के जाओ बस। सच में एक स्क्वाड को वाइप्ड आउट कर पाओगे। सो हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है ना भाई, सच में बहुत खतरनाक होने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आपका हेडशॉट रेट एक्यूरेसी भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो शुरू करने से पहले सब भाई के पास एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके भाई कैसे आगे जाएगा, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक। टिप नंबर 1, टपाटप कंटिन्यू फायर। आपके सामने कोई बंदा दिखे तो भाई आप क्या करते हो, एक बार में पूरा रील ही खत्म कर देते हो, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलता है, रिक्वेल देखने के लिए मिलता है, हेडशॉट नहीं लगता है। फायर करने के बाद बुलेट एनिमी के साथ नहीं हो पाता है, बुलेट एनिमी के आसपास से निकल जाते हैं। भाई ये जो गलती है ना आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए दिखाते हैं। आपके सामने कोई बंदा दिखे तो आपको लगातार फायर नहीं करना है, पहले 3-4 गोली फायर करना है, उसके बाद और 3-4 गोली फायर करना है, ठीक है। भाई ऐसे आप फायर करोगे ना, आपका एक्यूरेसी और हेडशॉट लगने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। टिप नंबर 2, डोंट हाई मूवमेंट फॉर शो। बहुत सारे बंदे क्या करता है, ऑब्जर्व प्लेयर को मूवमेंट दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है और उसके बाद फायर करता है, एक भी बुलेट एनिमी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। इससे आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो भाई आप टेंशन मत करो, मैं हूं ना। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिंपल गेम प्ले करना पड़ेगा। भाई सिंपल मतलब खड़ा होके आप फायर करो बंदे को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी ठीक रहेगा। और एक चीज भाई, आपको एक्यूरेसी ठीक करना है तो आपका जो क्रॉस ईयर या एम है ना, आपको ऑलवेज रेड रखना पड़ेगा। क्रॉस ईयर या एम रेड रखने के बाद आप फायर करोगे तो सभी बुलेट एनिमी के साथ बहुत ही जल्द कनेक्ट हो जाएगा, इससे आपका एक्यूरेसी ना भाई बहुत बढ़ जाएगा। टिप नंबर 3, ओवर ड्रैग। बहुत सारे बंदे क्या करता है, ड्रैग हेडशॉट देने के लिए बहुत जोर से ड्रैग करता है, उसके बाद फायर सीधा आसमान में चला